एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सलाह हम लोगों को सब लोग देते हैं। बट क्या सचमुच एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, इसका कोई भी रिलेशन हमारे मेमोरी से, ब्रेन इम्प्रूवमेंट से है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम लोगों को आता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो कहा जाता है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है या हमारे जो भी बिहेवियर है, जैसे हम लोग एंग्री होते हैं, हैप्पी होते हैं या सैड होते हैं, तो ये बिहेवियर हमारे बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स ट्रिगर होने की वजह से होते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है, क्या हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या हम इसको हैक कर सकते हैं? यही आज की वीडियो का टॉपिक है और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इन हॉर्मोन्स को, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या सच में ऐसे हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं और इन हॉर्मोन्स के सीक्रेट होने से या लैक ऑफ हॉर्मोन से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग हैप्पीनेस को हैक कर सकते हैं। और हम लोग ने हमेशा एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब भी हम लोग बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत स्मूथली कटता है। हम लोगों को टाइम कैसे गया इसका एहसास ही नहीं होता। उसी तरह जब हम लोग बहुत हैप्पी एंड खुश हैं तो हमारी इफ़िशेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो हैप्पी है एंड खुश है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा एंड इनकी इफ़िशेंसी बढ़ेगी। तो इसलिए देखेंगे हम लोग कैसे हैप्पीनेस को हैक कर सकते हैं। वेलकम बैक, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं BrainGyan Academy का YouTube वीडियो। अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये YouTube चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बैक टू आवर टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे हैकिंग हैप्पीनेस के बारे में। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे बॉडी में हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसी तरह हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ हॉर्मोन्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन से हैं ये हॉर्मोन्स? ये हॉर्मोन्स सीक्रेट होने से या उस हॉर्मोन्स की कमी होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसे कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोपामाइन की। डोपामाइन ये ऐसा हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है जब भी हम लोग कुछ अचीव करते हैं। तो जब भी आप लोगों ने कुछ गोल सेट किया और उसे अचीव कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी डिफरेंट फीलिंग है, सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग है, वो डोपामाइन के वजह से होता है। तो डोपामाइन सीक्रेट कब कब होता है? जब आपकी कोई भी ज़रूरत, डिज़ायर या गोल अकम्प्लिश हो जाता है तो डोपामाइन सीक्रेट होता है। और कोई भी गोल आपका अगर स्मार्ट गोल है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्मार्ट गोल सेट किए जाए एंड इन स्मार्ट गोल को हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट गोल सेट करोगे तो आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो, और जब भी आप अपने गोल अचीव करेंगे तो डोपामाइन सीक्रेट होगा। तो अगर ये हार्मोन डोपामाइन अगर सीक्रेट नहीं होता है या इसकी कमी है तो क्या होता है? डोपामाइन के ना होने की वजह से कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालते रहना। उसके बाद डिप्रेशन, सेल्फ डाउट का रीज़न भी डोपामाइन की कमी है। बाद में हम लोग देखेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ करने को अच्छा नहीं लगता, सेल्फ डाउट करते हैं हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। तो ये होता है डोपामाइन की कमी की वजह से। दूसरा एक इफेक्ट है डोपामाइन की कमी का, कि लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं और वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए या खुद को रिवॉर्ड देने के लिए एक्स्ट्रा फूड खाते हैं। तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को भूख नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जंक फूड या जो भी अवेलेबल है उसको खाने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा फूड खाने की जो आदत है वो
डोपामाइन की कमी के वजह से हो सकती है, एंड इसका रिजल्ट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करेंगे और अगेन डिप्रेशन एंड टेंशन में चले जाएंगे। सो डोपामाइन की कमी से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं और उनको अचीव करते रहना है। तो जो भी ये डोपामाइन का एक साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, डोपामाइन का साइड इफेक्ट ऐसा है कि आप कोई मोबाइल गेम्स खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल गेम्स में क्या होता है कि आप एक लेवल कंप्लीट कर लेते हो और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, और इसके वजह से आप क्या करते रहते हो कि हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारे बच्चों में, इवन बड़ों में भी मोबाइल गेम खेलने की आदत बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है कि उनको कंटिन्यूसली एवरी टाइम जब हम लोग कोई भी लेवल पार करते हैं गेम की, तो डोपामाइन सीक्रेट होता है और काफ़ी टाइम लोग एडिक्शन की तरफ भी जाते हैं। तो मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है या कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन हो सकता है। सेरोटोनिन ये सेकेंड हार्मोन है जो हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंड काफ़ी टाइम बच्चों में क्रिमिनल माइंड या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ना, इसका रीज़न भी सेरोटोनिन हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी करके उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलने लगता है। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि सेरोटोनिन सिक्रीट हो। तो उसको कैसे हम लोग हैक कर सकते हैं? सेरोटोनिन सिक्रीट होता है जब भी हम बाहर अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कोई टी ब्रेक के लिए, लंच के लिए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, जब सन में जाएंगे या मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। जब भी हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस देता है, तो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। तो इसलिए मेक श्योर, अगर आप पेरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ चाय पिए, साथ में लंच करें, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए सनलाइट में जाए, एंड अपने बच्चों को सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फील कराए। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहा जाता है। तो जब भी कोई छोटा बच्चा है, उसको उसकी मॉम कडल करती है, तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। इवन जब हम लोगों को कोई गिफ्ट देता है, तो वो गिफ्ट मिलने के बाद ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, रिलेशनशिप, रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी। जब भी ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाएगी, आपके रिश्ते खराब होंगे, आपको कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को छोटे से नॉट एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं, हो सके तो उनको कडल करो। नेक्स्ट फोर्थ हार्मोन है एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन की सिक्रीट होने से हमारा स्ट्रेस कम होता है और फीलिंग ऑफ पेन कम होती है। तो एंडोर्फिन को इवन नेचुरल एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? पेन किलर। तो नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन। तो ये एंडोर्फिन कैसे सिक्रीट होता है? एंडोर्फिन सिक्रीट होता है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से, लाफ्टर से। जब भी हम लोग बहुत हंसेंगे, तो एंडोर्फिन सिक्रीट होगा। एरोमाथेरेपी, डार्क चॉकलेट एंड स्पाइसी फूड, ये भी रिस्पॉन्सिबल है एंडोर्फिन सिक्रीट करने के लिए। सो जब भी एंडोर्फिन सिक्रीट होगा, आपका पेन एंड स्ट्रेस रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये जो चार हॉर्मोन्स हम लोगों ने देखे, सबसे पहला था डोपामाइन, दूसरा था सेरोटोनिन, थर्ड था ऑक्सीटोसिन, एंड फोर्थ था एंडोर्फिन। इनको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब हॉर्मोन्स को मैनिपुलेट करने का तरीका अगर देखा है, तो इसको समराइज करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेट स्मार्ट गोल्स एंड अचीव दोज गोल्स। गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन सनलाइट, डू सम योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेट, एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट दीज हॉर्मोन्स। पेरेंट को मेक श्योर करना है कि वो बच्चों को अटेंशन दे, सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस दे, उनसे भी उनके जो भी ख्यालात हैं, उनके जो भी सजेशंस हैं, उनको ज़रूर सुने। मंथ में एक बार आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए या लंच के लिए भी बाहर जा सकते हैं। एंड बेस्ट एंडोर्फिन सिक्रीट करने के लिए आप कोई भी कॉमेडी शो साथ में फैमिली के साथ देख सके, ऐसा कोई भी शो साथ में देख सकते हैं, क्योंकि लाफ्टर क्रिएट करता है एंडोर्फिन।
सो हम लोग ने बताया कि ये हैप्पीनेस को हैक करने के लिए क्या सीक्रेट्स हैं। तो आप अगर इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उसमें से सबसे कॉमन एलिमेंट आपने देखा है वो क्या है, योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। इसलिए कहा जाता है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, एंड ये हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली सीक्रेट होते रहेंगे। और जब ये सीक्रेट होंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और फोकस बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करें, जिससे कि क्या होगा कि ये हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली सीक्रेट होते रहेंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर होती रहेगी, आपका माइंड हमेशा शार्प रहेगा। सो कीप हैकिंग योर हैप्पीनेस।